नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वीडियो को बनाने का, वो टॉपिक ये है कि काफ़ी जो काफ़ी जो जो ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं, यानी कि जो परेशानी में आ जाते हैं किसी प्रकार से, ये जो ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं, उसमें जो ब्लैकमेलर ने आपको परेशान किया है या आपसे पैसा मांगा है, तो जो विक्टिम है यानी कि जिसके साथ में ये घटना हुई है, अगर वो पैसा नहीं देता है तो ब्लैकमेलर जो है उसके वीडियो का क्या करता है, आगे आने वाले भविष्य में उसको किस प्रकार से मतलब इंटरप्रेट किया जाता है और किस प्रकार से उसके साथ में डील किया जाता है, आज मैं आपको इसी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो कि दिल्ली से हैं और इनके साथ में कुछ घटना ऐसी ही घटित हुई, जिस प्रकार से जो मैं आपको कॉमन चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इनके पास में पहले एक फेसबुक के द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो उसके बाद जो इन्होंने देखा कि लड़की के जो DP है, यानी कि ये फोटो लगाई है उस पर, वो काफ़ी सुंदर है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट के कुछ ही सेकेंड या मिनट के बाद में जो इनके पास में एक हाय मैसेंजर पर मैसेज आया और उस हाय के बाद जो है इनकी काफ़ी वहाँ पर एक के बाद एक मैसेज और बातें स्टार्ट हो गई। दोनों की तरफ से प्रॉपर तरीके से रिप्लाई भी आने जाने लगा और दोनों ने पूरी जानकारी, हालांकि इन्होंने तो अपनी असली जानकारी जो जानकारी थी इनके पास में वही इन्होंने जानकारी दी, लेकिन जो लड़की ने है तो वो पता ना क्या इनको जानकारी दी, लेकिन ये जो है उस चीज़ में फंसते चले गए और अंततः मतलब लास्ट में जो है वो इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर, उसने जब से जैसे ही उसको मांगा कि आपने अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर दो अपना, तो इन्होंने जो है व्हाट्सअप नंबर दे दिया और देने के बाद जो है इनकी जो ब्लैकमेलर है वो मैसेंजर से स्विच कर गया यानी कि व्हाट्सअप पर। अब व्हाट्सअप पर इनकी बातें हुई काफ़ी और व्हाट्सअप की बातें होने के बाद जो शाम होते होते जो है वो उस लड़की ने जो है यानी कि जो ब्लैकमेलर है उसने डिमांड की कि मैं आपके साथ में वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो है वीडियो कॉल करने के जैसे ही उसने कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आप वीडियो कॉल आपके साथ में नहीं कर सकता क्योंकि मैं फैमिली में हूँ, बैठा हुआ हूँ और मैं नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो इन्होंने काफ़ी कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार डिमांड की मतलब कि वीडियो कॉल करने की, लास्ट में जैसे रात के लगभग 9:30-10 बजे के आसपास बजे था तो फिर मैसेज आया कि मैं तुमसे जो है वीडियो कॉल करना चाहती हूँ अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं अभी रोमांटिक मूड में हूँ, तो इंसान जो है लड़का है तो थोड़ा सा इन चीज़ों में आके जो है वो सोचता है कि चलो कि कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। तो इसने जो है लड़के ने जो है उससे वीडियो कॉल कर लिया और वीडियो कॉल करने के बाद जो है ये जो चीज़ें हैं मतलब काफ़ी वैसी चीज़ें हो गई और उनसे कहा गया कि तुम वॉशरूम में जाओ और वॉशरूम में जाने के बाद जो है इन्होंने बताया, हालांकि कि मैं उसमें वॉशरूम में मतलब टॉयलेट कर रहा था उसी समय पर उसने कहा था कि तुम मुझे वीडियो कॉल, तो मैंने बटन दबा दिया वीडियो कॉल ऑन कर वीडियो कॉल करने का और उसके बाद जो है वो वीडियो बना लिया और मैं पेशाब करते हुए जो मैंने अपना प्राइवेट पार्ट भी उसको शो कर दिया। अब यही चीज़ जो है वो पूरी कैमरे में कैप्चर हो गई और कैप्चर होने के बाद जो है इस व्यक्ति ने यानी कि जो जो ब्लैकमेलर है वही वीडियो जो है वो एडिट करने के बाद जो है इन्हीं के व्हाट्सएप पर भेज दी गई और लास्ट में इनसे कहा गया कि अब बताइए आपको क्या मतलब क्या करना है, इसको ब्लॉक इसको वायरल करना है या फिर डिलीट करना है। तो इंसान जो है वो वही जो उसने गतिविधि एक्टिविटी करी अभी जस्ट वीडियो में वही चीज़ें उसके सामने आ गई, तो फिर जो है व्यक्ति डर तो जाता ही है, समझ नहीं आता उसके कि मैं क्या करूं। हालांकि ये बात है जो है वो किसी अपने को भी नहीं बता सकते, दोस्त मित्र अपना परिवार का कोई भी हो, हम किसी को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है इन्होंने काफ़ी मतलब उससे मिन्नतें की, उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे वीडियो जो है वो हटा दो, लेकिन इनके इसके पास जो है इसके बाद जो इनसे 5,550 रुपये की इनसे डिमांड की गई, जिसमें कि बताया गया कि 550 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सर्विस चार्ज लग जाएंगे और 5,000 रुपये तुम्हारे वापस तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। अब इन्होंने जो है इनके पास पैसे हों तो ये भेजें, इनके पास पैसे भी नहीं थे तो उसके बाद जो काफ़ी उसने कहा और इन्होंने काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करी कि मुझे समय दीजिए थोड़ा समय सुबह तक का, और सुबह तक का जैसे सुबह हुई तो इन्होंने कहीं ना कहीं रात में कैसे कहते हैं कि जब इंसान के सामने परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जब आ जाता है तो वो सोचता है कि मैं इस रास्ते से निकलूँ कैसे, तो वो काफ़ी चीज़ें सर्च करता है गूगल पर, यूट्यूब पर, कई जगह इन्होंने सर्च किया और सर्च करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं वीडियो मिली है हमारी और फिर इन्होंने हमारी वीडियो एक के बाद एक कहीं काफ़ी वीडियोज़ देखी, क्योंकि हर वीडियो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो इसके वीडियो में इसमें
प्रीवियस जो वीडियो है हमारा, मतलब पुराना जो वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ होता है, तो इन्होंने उस लिंक पे क्लिक कर करके सारी वीडियो देख डाली रात को ही। इन्होंने रात को लगभग 4:30 बजे के आसपास हमको फ़ोन भी किया था, लेकिन समय हमारा सुबह 8 से लेकर रात्रि 8 बजे तक है, तो इस वजह से मैं हमने फ़ोन भी नहीं उठाया इनका। और सुबह जैसे ही 8 बजे तो उन्होंने कॉल किया और फिर उन्होंने पूरा बताया कि सर इस तरह की चीज़ें हैं हमारे मेरे सामने जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको डायरेक्ट इस प्रश्न पर आता हूँ कि जो ब्लैकमेलर है, अगर आप ब्लैकमेलर को पैसा नहीं देते, क्योंकि वो पैसा मांगता है आपसे, अगर आप पैसा नहीं देते तो आपकी वीडियो के साथ वो क्या कर सकता है, क्या ज़रूरी है उसको पैसा देना या फिर नहीं देना, और जिन लोग जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनका क्या ये वीडियो वायरल करता है या फिर नहीं करता है। तो मैं आज इन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको मैं दूंगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये पूरी घटना होने के बाद जो है, अगर आपके पास आपसे ब्लैकमेलर पैसा मांगता है और अगर आप पैसा नहीं देते हैं, और कई बार मतलब कोशिश करने के बाद उसने काफ़ी कोशिश कर ली आपसे, काफ़ी आपको परेशान कर लिया, उसके बावजूद अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये जो ब्लैकमेलर है आपको फिर आगे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये थक जाएगा आपको परेशान करते करते। जब थक जाएगा तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि तुम पैसा दे ही नहीं रहे उसको, तो वो जो है वो आपका वीडियो वीडियो सब हटा देगा और सोचता है कि जब इसके पास पैसा है ही नहीं तो ये मुझे पैसा देगा क्या। तो फिर जो है वो आपको ना ही तो परेशान होगा, ना ही आपका वीडियो वगैरह भी कहीं पर अपलोड या डिलीट अपलोड या वायरल किसी प्रकार से कर पाएगा। तो ये जो जानकारी है, जैसे जैसे क्योंकि मैं आपसे हर में कहता हूँ कि आप किसी भी ब्लैकमेलर को पैसा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि पैसा दे देंगे आप तो ये जो ब्लैकमेलर है वो आपकी मतलब आपको एक डिटेल में लिख लेगा कि हाँ ये जो है पैसा दे सकता है, तो इसको कुछ समय बाद भी हम परेशान करेंगे या हम कहेंगे इससे तो पैसा दे सकता है फिर से। तो इसमें आपको यही करना है कि जो ब्लैकमेलर है उसको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो वीडियो है वो भी हटा देगा और आपको किसी प्रकार से वो परेशान भी नहीं करेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दूसरे लोगों तक, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट नीचे जो भी आपके मन में आता है वो आप जरूर करें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।